हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। बट यात्रा शुरू करने से पहले आपको कुछ बैक स्टोरी बता देती हूँ। हमने खटरा पहुँचने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करी थी, बट कुछ कारणवश हमारी टिकट बुक नहीं हुई थी, इसलिए हमने रात को ली थी वॉल्वो। और सुबह हम 7-8 बजे आराम से खटरा पहुँच गए थे। यहाँ पहुँच के आप फ्रेशन अप होने के लिए 2-3 घंटे के हिसाब से रूम्स भी ले सकते हो। हमने रूम लिया था और फ्रेशन अप होने के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब यात्रा शुरू करने के लिए ना दो मार्ग हैं, एक तो बाणगंगा वाला जो पुराना रास्ता है और एक न्यू रास्ता है जो कि ताराकोट से है। वहाँ पहुँचने के लिए आपको ऑटो लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ से वो 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दूर है रास्ता। तो हमने ऑटो ले लिया था और ऑटो वालों के प्राइजेस फिक्स होते हैं 150 रुपीज़। बट ये रास्ता काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा सा है, तो इसलिए हमने ये वाला रास्ता प्रेफर किया। अब वहाँ पहुँचने के बाद आपको यात्रा कार्ड बनवाना पड़ता है, तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो बट उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पहुँच के आपको कार्ड लेना ही पड़ता है लाइन में लग के। और अब ना ये रास्ता काफ़ी डेवलप्ड है क्योंकि यहाँ पे लाइक ऐसे छोटे छोटे पार्क्स हैं, काफ़ी जगह सीटिंग के लिए एरिया भी हैं, और अगर आपको शॉर्टकट लेना हो तो स्टेयर्स, और काफ़ी सुंदर है। इवन रास्ते में काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी आते हैं जहाँ से आपको पूरा कटरा शहर दिखता है। तो ऐसे नज़ारों के साथ आप भगवान का नाम लेके चढ़ते जाते हो। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी मैकडोनल्ड्स के लिए क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ईटरीज हैं, मैकडोनल्ड हैं, बीकानेर है, बहुत कुछ है। तो हमने वहाँ पहुँच के ऑर्डर किया। दो वहाँ पर इतना सीटिंग स्पेस है नहीं, तो खड़े होके आपको मोस्टली खाना पड़ता है या बाहर बेंचेस लगे आप उन पे जाके आराम से खा सकते हो। यहाँ पे बीकानेर सीसीडी, इवन आपको फ्रूट चाट या कुछ भी खाना हो तो काफ़ी सारे स्टॉल्स आपको इस रास्ते पे दिख जाएंगे, तो आप आराम से खाते पीते जा सकते हो। इवन यहाँ पे 24 आवर्स लंगर भी चलता है इस वाले रास्ते पे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दूसरा रास्ता, बट अगर कोई चाहता है तो वहाँ आराम से बैठ के लंगर भी कर सकता है। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा सिटिंग का एरिया भी है। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हमेशा रहती है जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे हर 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। बट सिर्फ हमें एक ही प्रॉब्लम आ रही थी चलते चलते, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट। और अभी तक कितना रास्ता हुआ? मैं तो पहले आया हूँ, पारुल आई है पहले, तो पारुल कितना रास्ता कंप्लीट हो गया? 5 किलोमीटर इसके घड़ी के अनुसार कंप्लीट हो गया। और गर्मी बहुत, आज पसीने देख सकते हैं, बुरे हाल है। साथ में खाते पीते चल रहे हैं, बॉडी को हाइड्रेट रख रहे हैं, और शाम तक अपना प्लान है पहुँचने का। क्यों पारुल? तो फाइनली दूसरा ब्रेक है हमारा, और आधे घंटे में 2 किलोमीटर चले फिर से बैठ गए। और अर्ध कुमारी कितना बचा अब? 1 किलोमीटर का फिर से हम रेस्ट लेंगे और आराम आराम से जा रहे हैं। ना पूरे एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, इतना पी खा के भी चल रहे हैं पर फिर भी एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। और अभी देखते हैं और कितना टाइम लगता है अर्ध कुमारी पहुँचने में, और आराम आराम से जा रहे हैं। कोई जल्दबाजी, कोई भाग दौड़ नहीं है। पहली बार पारुल को रिलैक्स लग रहा है। क्यों पारुल? अब यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अर्ध कुंवारी, जहाँ पे दोनों रास्ते मिल जाते हैं। और इस रास्ते पे आपको घोड़े वाले, पालकी वाले भी मिल जाएंगे। आप चाहे तो आप ही कर सकते हो, बट हम प्रेफर नहीं करते, जितनी यात्रा हो पैरों से ही करो तो अच्छा है। तो फाइनली जो है ना, मतलब मौसम इतना बढ़िया हो गया माता रानी की कृपा से ना, कि बारिश लग गई, अब मतलब मजा ही आ गया। पारुल तो क्या बोलती है तुम? बारिश लग गई तो फाइनली ना बारिश लगी, और पीछे मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, मज़ा ही आ गया भाई। 2 किलोमीटर भवन रहा है, आराम आराम से चढ़ रहे खाते पीते, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई। और रास्ते में जाते जाते आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिखेंगे, जो जिन्होंने कुछ मन्नत मांगी होती है वो स्पेशल ऐसे जा रहे होते हैं और बहुत सारे नारे लगाते हुए वो जा रहे होते हैं। और इसके बाद अब हम पहुँच गए थे हिमकोटी, जहाँ से 2-2.5 किलोमीटर था भवन। और यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी आता है जहाँ पे आपकी चेकिंग की जाती है, अगर कुछ भी आपके पास यू नो तंबाकू एंड ऑल है वो सब कुछ यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। और रास्ते की सबसे अच्छी बात ये थी कि बारिश चालू हो गई थी और मौसम एकदम सुहावना हो गया था, और यहीं से होते भवन के सबसे पहले दर्शन। और ये लास्ट चेक पोस्ट थी जो कि भवन के एकदम बिल्कुल पास थी। और आप क्राउड की बात करें या तो जो भी श्रद्धालु थे उनकी बात करें, तो श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे मंदिर में। और सबसे पहले हमने क्या करा, हमें लेना था प्रसाद, तो यहाँ पे प्रसाद की दुकान को भेंट शॉप बोला जाता है, तो यहाँ पे 100 और 50 रुपये में आपको प्रसाद मिलता है। तो हमने भी लाइन पर लग के प्रसाद ले लिया था। 100 रुपये में आपको नारियल वाला प्रसाद मिलता है और 50 रुपये में आपको नॉर्मल वाला प्रसाद मिलता है।
फाइनली अपन लोग पहुंच चुके हैं मंदिर, हमने ले लिया प्रसाद वगैरह। अब क्या करना है पारुल, रूम में सब कुछ सबमिट हो जाएगा और फिर आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते आगे। पारुल मतलब पहले आई है, मैंने आया हूँ, उसी को पता सारा, बस इसी के भरोसे चल रही है जिंदगी। अब देखते हैं सही कराती है गलत कराती है। अरे हो जाता है, और लोग काफी है अभी ना, भीड़ काफी है। और फाइनली अब अपने को ना अपने मतलब जो फोन वगैरह सारा सामान रखना पड़ेगा, तो इसके आगे हम वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे, कुछ भी लेके नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं पर्स वर्स कुछ भी नहीं। तो अभी सारा सामान रख के अभी हम दर्शन करेंगे, दर्शन करने में कितना टाइम लगता है वो आपको बता देंगे। तो मिलेंगे आपसे दर्शन करने के लिए, पूरा मतलब लाइन लगी हुई है, तब टाइम लगेगा अपने भी लॉकर रूम में सामान रखने में, और जितना भी टाइम लगेगा आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली ना अपने दर्शन बड़े अच्छे हो गए माता जी के, और हम हमारे बाद कम से कम और तकरीबन हम 5:30 बजे लाइन में लग गए थे, तो 1-1.5 घंटे में फ्री हो गए। और अभी टाइम है कुछ का के भैरव बाबा जी के मंदिर को जाने का, और मतलब ये मान के चलो ना अभी जो लाइनें लगी हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं, ठीक है। तो अभी कुछ खा पी के हम निकलेंगे भैरव बाबा जी के मंदिर के लिए, और उसके बाद क्या आगे का क्या प्लान है कुछ नहीं पता है ना, तो आपको बताते हैं रास्ते में बताते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अब टाइम था बाहर निकलने का, और बाहर निकल के हम ये देखते हैं कि जो लाइन है भैरव बाबा की तरफ को 1-1.5 किलोमीटर की लग चुकी थी, और इसके बाद टाइम था पेट पूजा करने का, तो जल्दी से हम इस रेस्टोरेंट में गए और हमने नॉर्मल सा खाना खाया जो कि बिल्कुल प्याज और लहसुन के बगैर था। और इसके बाद टाइम था भैरव बाबा जी के मंदिर को चढ़ाई चालू करने का। और हाँ, आपको यहाँ के लिए भी ऑप्शन मिल जाते हैं, घोड़े के ऑप्शन मिल जाते हैं, पालकी के ऑप्शन मिल जाते हैं, बट हमने फिर से प्रेफर करा था पैदल चलना। और हाँ, आपको शॉर्टकट भी बहुत मिलते हैं, और इस पे प्रॉपर एक स्लोगन लिखा होता है कि अगर आप कोई भी हार्ट के मरीज हो तो आप ये शॉर्टकट ना लें। और ऊपर से मंदिर इतना सुंदर लगता है ना, हम बयां नहीं कर सकते मतलब अपने शब्दों में। तो फाइनली हम पहुंच चुके थे 2 किलोमीटर के बाद भैरव बाबा जी के परिसर। तो फाइनली हम जो है ना भैरव बाबा जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं, प्रसाद हमने फिर से ले लिया, और अभी लगने लगे लाइन में। ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, बट इतना क्राउड है ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाई दी कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि शायद नीचे की तरफ को जा रहे, क्योंकि एक रास्ता यहाँ से भी जाता है अर्धकुंवारी के लिए, और हो सकता है मंदिर के लिए हो, बट हम लोग लाइन में लग चुके हैं, इतनी भीड़ है नहीं यहाँ पे भी। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है अपने को दर्शनों में। बाकी 10:30 हो चुके हैं और इतना क्राउड है, इतनी पब्लिक का क्या बोले भाई, मतलब एक अलग ही तरह का अनुभव है अपने लिए। तो सब पारुल कैसा एक्सपीरियंस रहा तेरा? मैं तो आई पहले 3 बार। तो कोई फायदा नहीं आने का, कुछ नहीं पता है इसको कहाँ जाना कैसे जाना है। ये तो पारुल अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अभी हम पहुँच चुके हैं सांझी छत में, और इतने मतलब अपने जितने भी लोग ऊपर जा रहे हैं यहाँ, तो कम्बल अम्बल लेके बढ़िया सो रहे हैं, तो रेस्ट करके नीचे की तरफ जा रहे थे। हमने भी डिसाइड करा कि थोड़ी देर बैठेंगे, हो सकता है 15 मिनट बैठे, हो सकता है 10 मिनट, 5 भी बैठ सकते हैं, आधा भी बैठ सकते हैं। तो कितनी देर यहाँ पर स्टे करते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है, और फिर चलते हैं नीचे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो रात को लगभग 2 बजे के करीब हम पहुँच चुके थे अर्धकुंवारी मंदिर के पास में, और आप भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पर नंबर नहीं आने वाला। तो हम निकल गए, और रात के ना पारुल की घड़ी में बताता हूँ आपको, टाइम हो रहा तकरीबन 1:45, और ऐसा लग रहा है कि अभी भी 10 बज रहे हैं, मतलब बज चुके हैं, बज रहे हैं। एक बार हम छोटा सा पावर नैप लेके उठ चुके हैं, मतलब हार्डली होगा हमारा 1.5 घंटे का, और उसके बाद रुके नहीं। तभी हल्का सा हमने एक रस प्लान करने का सोचा है, और वापस उसी रास्ते से आ रहे हैं ताराकोट वाले से। ये बेस्ट है, मतलब एकदम खुला खुला है और लोग कम है, तो इतना हल्ला गुल्ला छोड़ा कुछ नहीं है, मतलब मान के चले। तो अभी अपना प्लान कुछ नहीं पता है, सबसे पहले तो यहाँ पे 24 घंटे वाला लंगर चलता है, तो अपना पहला काम तो वही है, भी लंगर निपटाओ पहले, सबसे पहले या कुछ और खाने को मिलेगा तो निपटा देंगे। तो आप लोग ना यकीन नहीं करोगे, तकरीबन रात के बजे हैं 2 से 2:30, और हम खा रहे हैं लंगर, वो भी बेस्ट मिल रही है, क्योंकि 24 आवर्स का लंगर है ना पारुल, कितना मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम पहुंच चुके थे एग्जिट पे, और यहां पे हमने अपनी RFID सबमिट कर दी।
तो फाइनली आज मतलब 11 तारीख के दिन के बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। वैसे हमारे फ़ोन में नेटवर्क था नहीं, बट कहीं से वाईफाई का जुगाड़ करके टिकट कब देख लिया हमने। टिकट कन्फर्म हो कि RAC है, पर चलेगा, मैनेज कर लेंगे। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो माता वैष्णो देवी का, और रेलवे स्टेशन हम पहुँच चुके हैं। तो अपनी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है ना पारन? तो क्या लगता है, कैसी रही तेरी जर्नी, बता दे। तो जर्नी अपनी अच्छी रही है, मतलब ये मान के चलो, मतलब बढ़िया से दर्शन हो गए। कल जैसे ही हम पहुंचे थे उसके बाद गेट वेट बंद हो गए थे, और आज थी, और कल जब हम पहुंचने वाले थे तब भी गेट होने में सिर्फ 5 मिनट्स बाकी थी, और उसके बाद इतनी लंबी लाइन थी, नहीं तो मतलब आधे रास्ते भैरव बाबा तक लाइन थी, और आज भी इतनी भीड़ थी, जबकि कल हम जब अपने कार्ड्स भी ले रहे थे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं। और मतलब आज का मौसम फिर वही था, बट हम एक दो चीज़ें मिस कर गए। एक तो जो पीर पंजाल व्यू आता है वो भी हम मिस कर गए, क्योंकि रात हो चुकी थी। चलो कुछ नहीं है, पर कुछ से कुछ अच्छा होता है, तो माता ने जो भी करा अच्छा करा होगा। तो होप सो कि मतलब अगली बारी जब भी माता बुलाए और हम दो चार लोगों को साथ में लेके आएँ, तो अपनी तो यही इच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई डेस्टिनेशन में नए सफ़र के साथ। तो मिलते हैं आप, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।